ठगना, ठगना मतलब यह कि जैसे कोई आपके पास आए, आपसे मिट्टी लेकर कहे कि मैं इसको सोना बना दूंगा, लेकिन मेरे को इसके लिए 5 रुपए चाहिए। आपका मिट्टी का ढेला मिट्टी का ही रहेगा, वो 5 रुपए लेकर नदारद हो जाए। क्या इसी तरीके से ठग रही है सुपर्णो जी वहां आपकी पार्टी लोगों को? धीरज जी, अगर ऐसे शब्द का प्रयोग हो तो मुझे मैं क्या कहूँ। अगर कोई ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहते हैं ठगना, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से देश में ठगना शोभा नहीं, 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 नहीं वो बहुत बहुत स्पष्ट पूछ रहे हैं निखिल प्रसाद। एक सेकंड सुपर्णो जी, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं ना, ताकि शब्दों में ना फंसे हम लोग। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कभी जो है इबादत करती हुई नजर आती हैं सिर पर पल्ला लेते हुए, और वो बहुत स्पष्ट करती हैं कि दूध देने वाली गाय के लात सहे जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ गोत्र बताया जा रहा है, तो क्या ठगने की कोशिश हो रही है? दिनेश जी, मैं तो समझता हूँ, थोड़ा बुद्धि तो मेरे पास भी है दिनेश जी, मैं थोड़ा तो समझता हूँ। खाली वो क्या अंदर की माने नहीं, ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं ऐसे शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ। और पूरा भारतवर्ष में 2014 से लेकर 2021 तक किसने इस देश को क्या क्या कहा और हकीकत क्या है, ये बिल्कुल लोगों के सामने है। तो इस किस्म का शब्द प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो संस्कृति है मुझे रोकता है ऐसे शब्द प्रयोग करने से, मैं करूँगा नहीं। खाली मैं इतना ही कहूँगा कि भारतवर्ष के लोग देखे हैं 7 साल से, और बंगाल के लोगों को अभी 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 उनको निर्णय करना है कि वो किस किस्म का भारतवर्ष चाहते हैं और किस किस्म का बंगाल वो चाहते हैं, इसका निर्णय उनको कहना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई शब्द बोल के किसी को अपमान भी नहीं करना चाहता हूं, और खुद का समय भी ठीक है। ठीक है। तो कैसा हिंदुस्तान चाहिए, इसके लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी दलों को एक चिट्ठी भी लिखी है। You Stop 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।